गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने विधानसभा चुनाव से एक साल पहले अचानक पद से इस्तीफा दिया। बोले, गुजरात का विकास अब नए नेतृत्व में होगा। आज विधायक दल की बैठक है जिसमें नया सीएम चुना जाएगा। गांधीनगर में दोपहर 2 बजे होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। सूत्रों के मुताबिक गुजरात का अगला मुख्यमंत्री पाटीदार होगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी आज सुबह पर्यवेक्षक के तौर पर अहमदाबाद पहुंचेंगे। इनकी मौजूदगी में ही गुजरात के नए सीएम के नाम पर लगेगी मुहर। सूत्रों के मुताबिक गुजरात के नए मुख्यमंत्री की रेस में दमन दीव के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का नाम सबसे आगे। प्रफुल्ल के अलावा नितिन पटेल, मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला भी सीएम पद की दौड़ में शामिल। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने कहा, मैं सीएम की रेस में नहीं। रूपाणी के इस्तीफे के बाद पाटिल का नाम भी अगले सीएम के दावेदारों में लिया जा रहा था। इस्तीफे के बाद कल विजय रूपाणी ने कहा, हमारी पार्टी में समय के साथ सभी के दायित्व बदलते रहते हैं। मुझे कार्यकर्ता से सीएम बनाया गया, मौका देने के लिए पीएम मोदी और बीजेपी का धन्यवाद। एबीपी न्यूज के सहयोगी चैनल एबीपी अस्मिता से बोले विजय रूपाणी, पार्टी हित में जो फैसला लिया गया मैंने तुरंत स्वीकार किया। नए सीएम का पूरा सहयोग करूंगा। सूत्रों के मुताबिक राज्य संगठन की रिपोर्ट के आधार पर विजय रूपाणी से लिया गया इस्तीफा। रिपोर्ट में कहा गया था, रूपाणी के नेतृत्व में गुजरात में बीजेपी अगला चुनाव नहीं जीत सकती। गुजरात के विपक्षी दल के नेता परेश धनानी बोले, देश की जनता ने बीजेपी सरकार को हटाने की ठान ली है। जनता अब गांव, गरीब और किसान की बात सुनने वाली सरकार चाहती है। गुजरात में मुख्यमंत्री बदलने पर बीजेपी को घेरने में जुटी कांग्रेस। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया जिसमें कहा, बीजेपी यानी भयानक झगड़ा पार्टी। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने बीजेपी सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। कहा, यह लड़ाई अमित शाह और आनंदीबेन पटेल के बीच की है जिसमें अब रूपाणी की छुट्टी हो गई। कांग्रेस नेता अर्जुन मोडवाड़िया का भी बीजेपी पर निशाना। बोले, अब तक गुजरात में चल रही थी डबल रिमोट से सरकार जो कोरोना में फेल रही। आनंदीबेन की तरह रूपाणी को भी बलि का बकरा बना दिया गया है। गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला ने कहा, देश के अहम राज्य गुजरात में बीजेपी मुख्यमंत्रियों को ऐसे बदल रही है जैसे गुजरात सर्कस हो और मुख्यमंत्री कठपुतली जिसे दिल्ली उंगलियों पर नचवा रही है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्डा बोले, सीएम बदलना बीजेपी की मजबूरी। गुजरात में आपका महत्व तेजी से बढ़ रहा है। बीजेपी का मुकाबला आम आदमी पार्टी से होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी में बूथ विजय अभियान की शुरुआत की। एबीपी न्यूज के सर्वे का हवाला देकर कहा, यूपी में इस बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी। जेपी नड्डा ने राम मंदिर को लेकर विपक्षी दलों को घेरा। कहा, पहले यूपी में भगवान राम का नाम लेना भी दुर्भर था। कांग्रेस ने तो श्रीराम के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया था। आज एसपी बीएसपी और कांग्रेस सुविधा की राजनीति करने लग गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राधामोहन सिंह का आपत्तिजनक बयान। बोले, असदुद्दीन ओवैसी जीका वायरस का दूसरा रूप, मोदी सरकार ने वायरस का टीका बना लिया है। यूपी की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मायावती पर निशाना। कहा, जो लोग आज आरोपियों से तौबा कर रहे हैं उन्होंने ही ऐसे अपराधियों को बढ़ावा दिया। यूपी में ब्राह्मण वोट को लुभाने की कोशिश, बीएसपी और बीजेपी के बाद आज से समाजवादी पार्टी भी शुरू करेगी प्रबुद्ध सम्मेलन। 31 अक्टूबर को आरएलडी यूपी में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सुझाव लेने के लिए प्रदेश के सभी ग्राम प्रधानों को चिट्ठी लिखेंगे जयंत चौधरी। दिल्ली में आपकी राष्ट्र परिषद की बैठक के बाद बोले सीएम केजरीवाल, पद मांगने की इच्छा ना करें कार्यकर्ता, सेवा पर लगाएं ध्यान वरना हम भी बीजेपी और कांग्रेस की तरह हो जाएंगे। पंजाब में कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। गुरदासपुर से उतरने का ऐलान किया। बोले, आलाकमान और कैप्टन ने दे दी है सहमति। उत्तराखंड में कांग्रेस के एक और विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। कुरेला सीट से कांग्रेस विधायक राजकुमार एक दो दिन में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। दिवंगत नेता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि आज। चिराग पासवान ने पीएम मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, चाचा पशुपति पारस को किया आमंत्रित। और आइए देश की कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई 2+2 बैठक। दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों ने दिल्ली में हुई बैठक में बिना नाम लिए जमकर चीन पर हमला बोला।
ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पाइने और रक्षा मंत्री पीटर डटन ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की। ट्वीट कर मोदी बोले, भारत और ऑस्ट्रेलिया में 2+2 वार्ता बहुत लाभकारी रही। ऑस्ट्रेलियाई पीएम का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का वर्चुअली लोकार्पण किया। कन्या छात्रावास का भी शिलान्यास। बोले, युवाओं को आज नई दिशाएं मिल रही हैं। प्रयागराज पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो परियोजनाओं का शिलान्यास किया। भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मानने से इनकार किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, तालिबान सरकार एक व्यवस्था से ज्यादा कुछ नहीं, उसमें सभी वर्गों के शामिल न होने से चिंतित। तालिबान ने पहली बार 20 साल पहले अमेरिका में हुए 9/11 हमले की निंदा की। तालिबान के प्रवक्ता तारिक गजनीवाल ने एबीपी न्यूज से कहा, तालिबान का अलकायदा से कोई लेना देना नहीं, जिहाद के नाम पर मासूमों को मारना गलत है। यूपी के हमीरपुर जिले में किसान महापंचायत को लेकर राकेश टिकैत और योगी सरकार में ठनी। टिकैत ने आज महापंचायत का ऐलान किया, लेकिन जिला प्रशासन ने किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं दी। दिल्ली एनसीआर में कल भारी बारिश की वजह से गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के टेंट में पानी भर गया। किसान नेता राकेश टिकैत पानी में बैठकर धरना देते नजर आए। हरियाणा के करनाल में किसानों और प्रशासन में बनी सहमति के बाद किसानों का धरना खत्म। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में करनाल लाठीचार्ज की न्यायिक जांच होगी। करनाल लाठीचार्ज की जांच होने तक तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा एक महीने की छुट्टी पर रहेंगे। पीड़ित परिवार के दो लोगों को एक हफ्ते के अंदर सरकारी नौकरी मिलेगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का कांग्रेस पर किसानों को बरगलाने का आरोप। कहा, हम लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं, कांग्रेस किसानों को बरगला रही है। मुंबई में साकिना का रेप, पीड़िता की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। आज आएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। 32 साल की महिला के साथ रेप के बाद बर्बरता हुई थी। आरोपी 21 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। साकिना का रेप केस पर मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले का असंवेदनशील बयान। बोले, घटना के 10 मिनट में पुलिस पहुंच गई थी। हर अपराध वाली जगह पर पुलिस मौजूद नहीं रह सकती। साकिना का रेप केस की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। महिला अफसर एसीपी ज्योत्सना रासम करेंगी नेतृत्व। सीएम उद्धव ठाकरे ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, साकिनाका की घटना मानवता पर कालिक। मुंबई में बढ़ रहे हैं रेप के मामले, दोषियों को फांसी की सजा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी वारदात को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी एबीपी न्यूज से बोली, मुंबई में ऐसी वारदात इंसान को झकझोर कर रख देती है। आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए। बोले, 15 दिन में महिलाओं के खिलाफ 3 बड़े अपराध हुए। उद्धव सरकार वसूली में लगी है, अपराधियों का को डर नहीं रहा। बंगाल के कोयला तस्करी मामले में ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को ईडी ने फिर से नोटिस भेजा। 20 या 21 सितंबर को पूछताछ हो सकती है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री वेबसाइट पर इनकम टैक्स के सर्वे को लेकर चिंता जताई। कहा, आईटी विभाग की कार्रवाई प्रेस की आजादी पर प्रहार है। दिल्ली में आज भी भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब और राजस्थान में भी बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में कल की भारी बारिश ने सरकारी इंतजामों की फिर से पोल खोल दी। कई इलाके पानी में डूबे दिखे, ट्रैफिक सुस्त रहा। आईजीआई एयरपोर्ट पर भी पानी भर गया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।